ग्राम तिलंजनपुर के उपस्थित सभी सभी भाई और बहनी मन, सियाला मन, माता मन, समस्त युवा भाई मन और हमारा साथ आए कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु मन, हमारे बहनी मन, पिथौरा जनपद अध्यक्ष श्रीमती सत्यभामा नाथ जी, श्रीमती मंदाकिनी साहू जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू जी और हमारे सरपंच बहनी मन श्रीमती सरोज कांगो जी और सभी उपस्थित भाई लोग बहनी मन, अभी आपके सामने हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी के बारे में आप सबसे बहुत सुंदर ढंग से आप लोग मंदाकिनी साहू जी बताई हैं। आप मन जैसे जाना था, अभी चुनाव हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा के हो थे और गांव-गांव हमारे अपन प्रत्याशी के अपन पार्टी के प्रचार करत उसका पक्ष में वोट मांगत आप सबके गांव में भी आए हैं। पिछले चुनाव में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी उखर नेतृत्व में जो नवी उप मुख्यमंत्री हैं टी एस सिंहदेव जी उखर नेतृत्व में मिल के जो घोषणा पत्र बनाए गए थे और वो घोषणा पत्र पर वादा रही थे कि जैसे ही आप मन के सहयोग समर्थन विश्वास मिली कांग्रेस पार्टी के शासन बनी तो वो घोषणा पत्र में जो भी वादा रही थे ओला पूरा करे जाएंगे। उन्हें जो सबसे बड़े मुद्दा रही थे वो रही थे किसान मन के कर्जा माफी के और हमारे जो पार्टी के शासन आई भूपेश बघेल जी के शासन आए तो सबसे पहली किसान भाई मन के कर्जा माफी हुई और ओला आप सब जाना था उखर लाभ आप मन ले है और ले था और जो हमारे किसान भाई मन के धान के उपज है उखर भी जो कीमत है ओला बढ़ाए के लिए ओला भी हमारे भूपेश बघेल जी बढ़ाई और उखर लाभ हमन ले था। अभी के जो चुनाव हो थे देखा भी घोषणा पत्र आ गए है आप सब जाना था ओला अच्छे से आप मन ला समझ में भी आप होगी। अभी भी किसान भाई मन के कर्जा हर माफ होगी और उखर जो धान के उपज है उखर कीमत है 3200 रुपए प्रति क्विंटल के दर से शासन हक खरीदी जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से हम अपन धान बेचत रहे वो धान का अब हमार कांग्रेस पार्टी के शासन हर बनी तमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान ला खरीदे जाइए। आप सब ये बात ला अच्छा से जाना था और भी हमें बहुत से जो सुविधा दे के बात है वो है जो शासकीय स्कूल मन है सरकारी स्कूल मन है ओला आत्मानंद स्कूल के रूप में परिवर्तित करे जाए और वो सब सुविधा वो स्कूल मन ला दिए जाए। जो बच्चा मन के पढ़ाई की है पहली छोटे कक्षा से लेके केजी से लेके पीजी तक के जो पढ़ाई है वो लोग फ्री कर दिए जाए। जो हमारा महिला समूह मन है जो मन राष्ट्रीय के बैंक से कर्जा ले होनी ऐसे महिला समूह मन के भी कर्जा है माफ करे जाए और जो बिजली के लग में जैसे बताई 200 यूनिट तक के बिजली आप मान ला फ्री में मिली और भी उम्मीद बहुत से दे हैं जैसे कि स्वास्थ्य पर जो चिकित्सा सुविधा या जो छूट मिलते उम्मीद
कैटेगरी के हिसाब से कुछ लोग 5 लाख के भी और कुछ जन लोग 10 लाख तक के उन्हें फ्री चिकित्सा सुविधा दिए गए हैं। एक्सीडेंट के भी जैसे एक्सीडेंट होगी तो उखर पर भी शासन हर फ्री चिकित्सा की सुविधा देने की बात करेंगे। आप सब से हमारी यही निवेदन है, ये सब बात का ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसे पार्टी का चुनाव करा, एक ऐसे पार्टी के पक्ष में वोट करा जिन्हें हर वर्ग का साथ लेके चलते, हर क्षेत्र के सुख सुविधा का ध्यान रखते और उखर भर एक निश्चित कार्यक्रम बना के वो कार्यक्रम लागू भी करते और उखर फायदा आप सब उठा था, हम सब उठा था और आगे भी उठा सकें। ऐसे हमन के निवेदन है आपसे कि आप कांग्रेस का ही वोट करा, देवेंद्र बहादुर सिंह का वोट करा और कांग्रेस पार्टी ला भूपेश बघेल जी के सरकार ला उनका हाथ मजबूत करा और एक कदम हमारे क्षेत्र के विकास पर आगे बढ़ा। आप मन अच्छा सुंदर ढंग से हमन को स्वागत सत्कार करे हैं, इस बार आप सब के हम हृदय से आभारी हैं। हमार बात का सुने भर में सब एकत्रित होया, इस बार भी हम आप सब के आभारी हैं, आप लोग धन्यवाद दे हैं और पुनः निवेदन कर रहे हैं कि आप सब 17 तारीख के जरूर वोट डाले पर जाइए कि मन के वोट डाले के पर्ची आ जाए आगे हो ही उमन जरूर जाए और कांग्रेस के ही पक्ष में वोट करें, ऐसे निवेदन है। कोई भी भ्रम में ना पड़े और एक मजबूत और अच्छा शासन देगी हमारे कांग्रेस पार्टी है, भूपेश बघेल जी है। आप सबके आकांक्षी हैं और कहते हैं कि भूपेश हावी का भरोसा है तो वो भरोसा ला भूपेश बघेल जी आप सबसे करत हैं और आप सबसे निवेदन है कि आप मन भी भूपेश बघेल जी के भरोसा ला रखा और कांग्रेस पार्टी ला देवेंद्र बहादुर सिंह ला विजयी बनावा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।